આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. સુરતમાં વેપારી પુત્રના અપહરણ બાદ 3 કરોડની ખંડણી માંગી છોડી મૂકનાર 4 અપહરણકર્તા ભરૂચ ટોલ નાકા પાસેથી ઝડપાયા. 2 રિવોલ્વર પણ મળી આવી હતી. ઉમરા અને DCB પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરી. પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં અપહરણકર્તાઓને ખાતે રહેતા ખોજા સમાજના વેપારી અનવર દૂધવાલાનું પુત્ર કોમિલ દૂધવાલા ઉંમર 32નું અપહરણ કરવા આવ્યા બાદ ગતરોજ મોડી સાંજે છુટકારો થયો હતો. અપહરણકર્તાઓએ 3 કરોડની ખંડણી પણ માંગી હતી. અપહરણમાં સંકળાયેલા 4 ઇસમોને 2 રિવોલ્વર સાથે ભરૂચ ટોલ નાકા પાસેથી ઝડપી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. ગત રોજ ગુરુવાર રોજની જેમ કોમિલ બાઇક પર વહેલી સવારે 6:54 કલાકે જીમ જવા માટે નીકળ્યો હતો. ઘરેથી નીકળતા 350 મીટરના અંતરે કૃષ્ણકુંજ સોસાયટીના નાકા પાસે સ્પીડ બ્રેકર આવતા બાઇક ધીમી પાડતા અપહરણકર્તાઓએ બાઇકને ટક્કર મારી દીધી હતી. सूरत शहर के उमरा विस्तार में रहता एक परिवार, पिता का नाम श्री अनवर नूर अली दूधवाला, इनके पुत्र कोमिल जो कल जिम जाने के लिए सुबह निकले थे तो लगभग सुबह 7 बजे कोमिल की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारकर 4 अपराधी कोमिल का अपहरण एक स्कोडा कार में करके ले गए थे. अपहरण के बाद कोमिल का फोन इस्तेमाल करके इन्होंने कोमिल के पिता अनवर अली नूर अली दूधवाला को फोन किया और उनसे 3 करोड़ रुपया की फिरौती मांगी. इसके बारे में बार बार जो बातचीत की गई उसके अंत में 1 करोड़ रुपया देना का फैसला किया गया जिससे कि कोमिल को सुरक्षित वापस लाया जा सके. पुलिस लगातार इस प्रक्रिया में बहुत विवेक बुद्धि से काम कर रही थी. 1 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई, कोमिल को सुरक्षित वापस ले लिया गया, परंतु बहुत तरीके से मेहनत से विवेक का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस कल रात को ही इन अपराधियों को पकड़ने में सफल रही. ये अपराधी लगातार वाहन में मूवमेंट कर रहे थे. पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था लेकिन इस चुनौती को पुलिस ने पार किया और कोसंबा ब्रिज के पास स्कोडा गाड़ी को, जिसके साथ एक पल्सर गाड़ी भी थी, पल्सर मोटरसाइकिल थी, इन दोनों को पकड़ा गया. स्कोडा कार में से 3 अपराधी पकड़े गए. पल्सर गाड़ी पर 1 अपराधी था. इनके साथ ही फिरौती की 1 करोड़ में से 99,14,000 रुपये रकम भी उसमें से बरामद हुई. 2 देशी तमंचे उसमें से मिले, 3 कार्ट्रिज भी मिले. जैसा मैंने बताया कि बाकी तोहमतदार जो 4 थे वो इनसे मिलकर कोसंबा ब्रिज के पास इकट्ठा होके फिरौती की रकम में से अपना अपना हिस्सा लेके अलग अलग दिशाओं में चले जाने वाले थे. वहीं से आर्टिका गाड़ी से 4 बाकी 4 गुनहगारों को भी, अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की. इस अपहरण को अंजाम देने के लिए फैजान नाम के एक आरोपी की मदद से ये लोग धौलपुर जाके वहाँ से हथियार लेके आए थे और जो भी इनकी प्लानिंग थी प्लानिंग के अनुसार इन्होंने अपराध को अंजाम दिया. लेकिन पुलिस मेहनत
और विवेक का उपयोग करके अनेकानेक टीमों का आयोजन करके इनको पकड़ने में इस तरह से सफल रही है। सभी गाड़ियां लगभग पूरा फिरौती की रकम और मुख्य आरोपी सभी अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो थोड़ी रकम बाकी है उसके साथ बाकी बचे एक आरोपी को पकड़ने का चक्र अभी गतिमान है। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो हैं अजय रत्नाभाई डामला, जो अभी किम में रहता है और ओरिजिनली ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, चिराग गोपाल यादव जो सायन रोड पे रहता है और मूल उज्जैन का है, सोनू देवपुरी गोस्वामी ये कापोद्रा चारस्ता के पास रहता है जो मूल रतलाम मध्य प्रदेश का रहने वाला है, फैजान नबी खान उस्मान जो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है, अरविंद मावजी भाई वाढ़ेल जो सैयदपुरा सूरत में रहता है, इश्तियाक रफीक शेख जो नानपुरा सूरत में रहता है, इरशाद जो लाल मियाँ मस्जिद के पास रामपुरा में रहता है, और संतोष सुनील पाटिल जो एसएमसी आवास बॉम्बे मार्केट पूना में रहता है। ये सभी आरोपी पहले भी तरह तरह के अपराधों में सम्मिलित रहे हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड जो अभी तक चेक किया गया उसके अनुसार 12 डकैती, लूट, मारामारी, इस प्रकार के 12 ऑफेंसेस इनके अगेंस्ट कुल मिला के रजिस्टर हुए हैं। पुलिस के लिए एक तरह से कल सुबह ब्लाइंड केस था जिसकी कोई लिंक नहीं था क्योंकि स्कोडा गाड़ी का कोई नंबर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरी मेहनत अपने रिसोर्सेज को पूरे काम लगा के टेक्नोलॉजी की मदद से एडिशनल सीपी क्राइम श्री शरद सिंगल और डीसीपी क्राइम श्री राहुल पटेल, एसीपी क्राइम आरआर सरवैया साहब, इन सभी ने मिलके बहुत सारी टीमें इसमें काम कर रही थी। लगभग क्राइम ब्रांच के हमारे सभी लोग इसमें थे, एसओजी भी थी, उमरा स्थानिक पुलिस भी कल सुबह से इस डिटेक्शन के लिए मेहनत कर रही थी। इन सब ने मिलके सफलतापूर्वक इस अपराध को डिटेक्ट किया है। यह बात मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस गुजरात राज्य श्री आशीष भाटिया साहब को की, गृह राज्य मंत्री श्री को भी की। उन दोनों की ओर से होम डिपार्टमेंट की ओर से 1,00,000 रुपये का खास प्रोत्साहन पुरस्कार इस टीम के लिए देने की घोषणा की गई है। बड़े संतोष के साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी तक सूरत सिटी पुलिस अपराध को कंट्रोल करने में महद अंश सफल रही है। वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग 47% अपराध कम हुए हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में कभी भी अपराध होते हैं तो पुलिस के लिए एक चुनौती होती है। जिस सफलता से यह अपराध डिटेक्ट किया गया, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस टीम भावना के साथ पूरा अनुभव काम लगा के इस टीम ने यह काम किया, उसी तरह से आगे भी काम होता रहेगा और सूरत शहर के नागरिक शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। जय हिंद।